चलो फिर से हम लोग अपना टॉपिक शुरू कर देते हैं। क्या है, पहले हमने देखा हुआ था व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सरेंडर ऑफ आइडेंटिफिकेशन नंबर और यू मे से द कैंसिलेशन ऑफ डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैंसिलेशन एंड सरेंडर? सरेंडर इज वॉलेंटरी एंड कैंसिलेशन इज डन बाय द अथॉरिटी। ठीक है, कैंसिलेशन कौन करता है? जो गिविंग अथॉरिटी है, जिन्होंने आपको अलॉट किया है, वही आपको कैंसिल भी, आपका जो डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो कैंसिल कर सकते हैं। और सरेंडर यानी क्या है? अभी मुझे लग रहा है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो भी कई कंडीशंस जो है विच मस्ट बी फुलफिल्ड, देन ओनली यू कैन सरेंडर योर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। So let us see what is the procedure for cancellation or surrender of director's identification number. जैसे किसने हमें ये दिया था director identification number? Central government. तो who will cancel or to whom we have to give the application for surrender of director's identification number? Only with the central government. ठीक है, तो ये central government can cancel or deactivate the DIN under the following situation as per rule 11. रूल 11 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड जो रूल्स बनाए हुए हैं उसी में बताया जाता है कि ये किस तरह से आप डीएक्टिवेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कर सकती है। तो क्या है, व्हाट आर दोज कंडीशंस अंडर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट्स और डीएक्टिवेट द डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर? लेट अस सी वन बाय वन। If director identification number is a duplicate allotment, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसे जिस व्यक्ति को पहले से ही director identification number मिला हुआ है वो फिर से apply नहीं करेगा। यानी the person who already get the director identification number under section 154 section किससे related है? जब ये director's identification number mandatory नहीं किया था, 1956 कंपनीज एक्ट 1956 में भी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अलॉटेड टू इंटेंडिंग पर्सन, दैट इज द पर्सन हु वांट्स टू गेट द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कैन अलॉटेड विद दैट नंबर अंडर सेक्शन 154 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। बराबर है, तो ऐसा नहीं है कि 2013 में ही ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आया हुआ है, 1956 में भी इसके लिए प्रोविजन बनी हुई थी कि अगर कोई पर्सन ये नंबर लेना चाहता है तो उसे मिल सकता था और वो सेक्शन था 154। लेकिन जैसे ही और उन्होंने ये भी बताया, जैसे ये एक्ट कम इन फोर्स, उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई फिर से अप्लाई करता है फॉर गेटिंग द डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट विल बी ट्रीटेड एज, क्या बताया था उन्होंने, कि वो उल्लंघन कर रहा है सेक्शन 155 का। ठीक है, तो 155 का अगर वो कॉन्ट्रावेट करता है तो उसके लिए उसे पनिशमेंट क्या मिलती है, कैसे मिलती है, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। तो फिर ये क्या है, इसीलिए इफ डी आई एन इज अ डुप्लीकेट अलॉटमेंट, उसने फिर से अलॉटमेंट की अप्लीकेशन दिया है और उसे अलॉट हो गया है, दैट मीन्स ही हैज टू डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इन सच अ केस सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डीएक्टिवेट हिज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। समझ में आया, क्योंकि उसने उसको कॉन्ट्रावेंट किया हुआ है, इसलिए उसका जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो उनकी तरफ से डीएक्टिवेट हो जाता है या उसे वो सरेंडर करना पड़ता है। देन नेक्स्ट वन इज इफ ऑप्टेड इन अ रॉन्गफुल मैनर, उसने जो डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसे रॉन्गफुल मैनर में, यानी एज पर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर उसने ऑप्टेन नहीं किया हुआ है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डीएक्टिवेट हिज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और डायरेक्ट्स द अथॉरिटी टू डीएक्टिवेट हिज और टू कैंसिल हिज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। रीजनल डायरेक्टर्स जो होते हैं उन्हें भी या सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को भी ये राइट्स दिए गए हैं, इफ दे फाइंड्स एनी, क्या फाइंड करते हैं वो, कि रॉन्गफुल मैनर ने उसने वो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया है तो उसका कैंसिल कर दो या तो डीएक्टिवेट कर दो।
देन रॉन्ग एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और फॉल्स और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, उसने क्या दी है, गलत इंफॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है, या तो झूठा कुछ उसने झूठी जानकारी दी है, या तो पूर्णतः से उसने जानकारी नहीं दी है. जैसे कि इफ यू वांट टू गेट द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यू हैव टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन. बराबर है, अगर आपने वो इनकम्प्लीट है, आपने झूठी दी हुई है, आपने समझ लीजिए कि जो गलत है वो मेंशन किया हुआ है, और उसके बाद आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट हुआ है, और जब ये रेगुलेटरीज को अथॉरिटीज़ को पता चल जाता है कि आपने ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया है, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डीएक्टिवेट और डायरेक्ट द अथॉरिटीज़ टू कैंसिल द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. फिर क्या है, इफ द ई फॉर्म फाइल फॉर द पर्पज ऑफ डीआईएन अलॉटमेंट वेयर इनकरेक्टली सर्टिफाइड बाय अ प्रोफेशनल. क्या हुआ है, उन्होंने उसने ई फॉर्म, जैसे हमने देखा था DIR-3 के थ्रू वो क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है अपनी, या अप्लाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, या फिर हमने देखा था कि कंपनी भी क्या कर सकती है, अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन कैन अप्लाई फॉर गेटिंग DIN फॉर इट्स 3 प्रपोज डायरेक्टर्स. बराबर है, तो ऐसे उसमें उन्होंने जो ई फॉर्म के थ्रू फाइल की हुई थी वो इनकरेक्टली सर्टिफाइड हो गई थी, और इनकरेक्टली सर्टिफाइड होने के वजह से उन्हें क्या मिला था, DIN मिला था. तो ऐसे इसमें जो इंफॉर्मेशन गलत थी और गलती से उन्हें जो DIN नंबर दिया गया था वो DIN नंबर कैंसिल करने का पूरा राइट जो है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. फिर क्या है, DIN होल्डर डाइड, जिसको आपने डीन दिया हुआ है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है, दैट पर्सन डाइज, वो मर गया या मर गया है, तो फिर क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसका जो डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो कैंसिल करना है. तो ऑटोमेटिकली तो नहीं होता है, इसके लिए जो अथॉरिटीज है जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टू गेट हिज नंबर कैंसल्ड, उसे उसके डेथ सर्टिफिकेट, दैट मीन्स अलॉन्ग विद द सरेंडर ऑफ DIN दे हैव टू फाइल द और दे हैव टू अटैच द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, देयर द सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसल्स हिज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो जिससे ये जिम्मेदारी दी हुई है कि उसने कुछ ही दिनों के अंदर उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो कैंसिल करना है, उसने अप्लीकेशन के साथ उसका डेथ सर्टिफिकेट जोड़ के वो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर को कैंसिल कराना है. देन डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड और एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ. देखिए, जब एक कोई पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड हो जाता है, देन क्या होता है, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एलिजिबल नहीं होता है, और डायरेक्टर्स जो है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टीज, और वो क्या करते हैं, कंपनी के साथ भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंपनी के बिहाफ में वो बाकी लोगों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो क्या हो गया है, अभी अनसाउंड माइंड हो गया है, या उसे क्या बताया गया है, एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो दिवालिया हो गया है और कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे उस तरह से डिक्लेयर किया हुआ है, तो ऐसे पर्सन का भी जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है गेट कैंसल. समझ में आया है, क्यों हो जाता है, क्योंकि ही इज डिक्लेयर्ड एज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. देन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सरेंडर इन ई फॉर्म 5. अब देखिए, जो इंडिविजुअल हु वांट्स टू गेट हिज DIN सरेंडर, बराबर है, वो खुद अपना सरेंडर करना चाहता है, हु वांट्स टू सरेंडर हिज DIN, ही हैज टू फाइल द एप्लीकेशन इन फॉर्म ई फॉर्म 5. उसे ई फॉर्म 5 में अप्लाई करना है फॉर सरेंडर ऑफ हिज DIN. तो ये
क्या करना है, E5 क्या होता है, E form 5 reasons बताता है why he wants to surrender his DIN. तो उसे ये declaration देना है कि जो DIN उसको दिया गया था उसका उसने use ही नहीं किया है यानी उसे किसी company ने as a director करके appoint ही नहीं किया है, बराबर है? देखिए, ये declaration that DIN holder never been director, वो किसी भी company में as a director करके appoint ही नहीं हुआ है, वो किसी भी कंपनी में एज अ पार्टनर करके अपॉइंट ही नहीं हुआ है, वो किसी भी LLP में उसने एज अ पार्टनर करके काम किया ही हुआ नहीं है, तो ऐसे इसमें उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन ये अनयूज्ड होने के वजह से उसकी कोई यानी उसने यूज़ ना किया, उपयोग नहीं किया है, इसलिए वो भी अप्लीकेशन दे रहा है फॉर सरेंडर ऑफ हिज DIN. ठीक है, फिर DIN नेवर बीन यूज्ड फॉर फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विथ एनी अथॉरिटी. ना तो उसने डायरेक्टर करके काम किया है, ना ही किसी कंपनी में एज अ पार्टनर या LLP में वो पार्टनर है, इसलिए उसे DIN की जरूरत ही नहीं है, और साथ में उसने एज अ प्रोफेशनल करके भी उस नंबर का किसी भी तरह से यूज नहीं किया है, मीन्स फाइलिंग एनी डॉक्यूमेंट विद द अथॉरिटी. किसी भी डॉक्यूमेंट में उसने अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन नहीं किया हुआ है फॉर फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. तो ऐसे इसमें जो अनयूज्ड डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसके लिए वो क्या कर रहा है, ही मेक्स द एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सरेंडर ऑफ DIN. अगर इससे वो सेटिस्फाई हो जाती है कि सही में उसने उसका यूज नहीं किया है, देन ओनली द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैंसल्स हिज और डीएक्टिवेट हिज DIN. तो क्या देखा है, अलॉटमेंट तो करनी है, लेकिन अलॉटमेंट करने के बाद अगर उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो पाया जाता है, क्या पाया जाता है उसमें, कि उसे दो बार दिया गया है, डुप्लीकेशन हुई है उसकी अलॉटमेंट में, दूसरा इट ऑब्टेन्स इन अ रॉन्गफुल मैनर, या जिस व्यक्ति को आपने वो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है उसने गलत तरीके से उसे लिया हुआ है, तो ऐसे समय में भी उसे क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है. कई बार क्या होता है, जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन, झूठी इंफॉर्मेशन दी जाती है फॉर गेटिंग द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, बाद में वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को पता चलती है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत है, तो ऐसे इसमें भी वो क्या करते हैं, जैसे ही पता चल जाता है उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, फिर क्या है, एक तो अगर वो मर जाता है, मरने के बाद तो वो व्यक्ति अपना फिर से उपयोग में नहीं लाने वाला है, बराबर है, उसका मिसयूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए भी उसका जो नंबर है वो कैंसिल करना होता है. दूसरा है, उसे अनडिक्लेयर्ड किया है, अनसाउंड माइंड का है, पागल व्यक्ति डायरेक्टर करके काम कर सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं. तो जब वो पागल हो गया है तो उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है. इंसॉल्वेंट है तो इंसॉल्वेंट, लेकिन कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे डिक्लेयर किया है एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, देन ऑल्सो हिज नंबर इज डीएक्टिवेटेड. दूसरा है कि खुद वो क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है. सरेंडर क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका यूज ही नहीं हुआ है, जिसका यूज ही नहीं हो रहा है किसी भी तरह से, उसको रख के क्या फायदा है, अच्छा है वापस कर दो, तो ऐसे इसमें, लेकिन उसे डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि उसने उसका कहीं पे भी यूज किया हुआ नहीं है, देन ओनली द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्सेप्ट्स हिज एप्लीकेशन फॉर सरेंडर ऑफ DIN. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड सरेंडर और कैंसिलेशन ऑफ डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. किसी को डाउट होगा तो जैसे कि मैंने कहा है कि आप पूछ सकते हो, आपका तो ग्रुप बना ही हुआ है, ग्रुप का यूज इसके लिए करो, आपके डाउट्स पूछने के लिए. ठीक है, ओके, थैंक यू.